गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सक्सेना आप सभी का अपने चैनल मैथ्सवाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज मैं जो शिक्षण योजना आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपको पसंद आएगी और भविष्य में ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की शिक्षण योजना में। यह योजना ऑल क्लासेस के लिए है। इसका सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स, इसका टाइम 40 मिनट। लर्निंग आउटकम इसमें फर्स्ट पॉइंट है, छात्र लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स को पढ़ तथा लिख लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है, छात्र लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स को सुनकर पहचान लेते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चौक, श्यामपट, लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स चार्ट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसमें तीन कॉलम है, स्टेप्स, टाइम, मेथड ऑफ असेसमेंट। स्टेप्स में फर्स्ट पॉइंट, इन द बिगिनिंग, शिक्षक छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसकी टाइम होगा 5 मिनट। जैसे बुक की स्पेलिंग बताइए श्यामपट पर लिखते हुए, छात्रोत्तर बी डबल ओ के बुक। गुड की स्पेलिंग क्या होती है, पुनः श्यामपट पर लिखते हुए जी डबल ओ डी। मून की स्पेलिंग लिखते हुए पूछेंगे कि इस शब्द को पढ़कर बताइए। शिक्षक छात्रों को सही उच्चारण मून कहकर स्पष्ट करेंगे कि तीनों शब्दों में डबल ओ का प्रयोग होने पर भी मून की आवाज़ बुक और गुड से अलग है। आज हम इसी के विषय में जानेंगे। सेकंड पॉइंट, ड्यूरिंग टीचिंग, शिक्षक चार्ट की मदद से शब्दों को पढ़ते हुए उनका उच्चारण अभ्यास छात्रों को कराएंगे। तत्पश्चात शिक्षक उच्चारण पर ध्यान देते हुए छात्रों से कहेंगे कि इन शब्दों में डबल ओ की लंबी आवाज़ निकल रही है जो ऊ की आवाज़ बनाती है। शिक्षक स्पष्ट करेंगे कि डबल ओ की आवाज़ अंग्रेजी में उ तथा ऊ दोनों ही तरह से प्रयोग की जाती है। शब्दों के उच्चारण अभ्यास से हम इनके अंतर को समझ सकते हैं व लिखने व पढ़ने का अभ्यास कर सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है, एंड ऑफ टीचिंग, शिक्षक श्यामपट पर शब्दों को उच्चारण सहित लिख देते हैं व छात्रों द्वारा कार्य संचिका में लिखा जाएगा। अंत में शिक्षक छात्रों से अलग अलग लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स की स्पेलिंग पूछकर आकलन करेंगे। इस कार्य को स्पेलिंग ब्लैक बोर्ड पर छात्रों से लिखाकर भी किया जा सकता है। होमवर्क, सभी छात्र शब्दों को याद करके आएंगे। अपकमिंग टीचिंग प्लान, शब्द अभ्यास हेतु वर्कशीट का निर्माण करना। ब्लैक बोर्ड वर्क, लॉन्ग डबल ओ साउंड वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा, इसी तरह की अन्य योजनाओं को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।